हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। मैं हूँ सना और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक सी स्वीट डिश बनाने की रेसिपी। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी सेवइयों की मिठाई कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इतनी टेस्टी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इस ईद पर आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अलग बहुत हटके रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सेवइयों की मिठाई या सेवइयों की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 250 ml मिल्क। तो मिल्क को मैं इस पैन में डाल रही हूँ और हमें इसे बॉईल कर लेना है। तो जब दूध में अच्छा उबाल आ जाए तो इसमें मैं शक्कर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं 6 tablespoons शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो अब दूध को हमें गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सेवइयाँ, ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं। आजकल मार्केट में बहुत टाइप की सेवइयाँ मिलती हैं तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं, तो ये इस तरह की ली है मैंने। आपके पास जो भी आपको मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, 2 tablespoons चाहिए होगा हमें। यहाँ पे पिस्ते लिए हैं मैंने, काजू लिया है और बादाम लिया है। इन सभी को हमें पाउडर बना लेना है। और यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से इसका चूरा बना ले रही हूँ। तो इन सेवइयों का हमें चूरा बना लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सारी सेवइयों का चूरा मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने पिस्ते का पाउडर बना लिया है, काजू का भी पाउडर बना लिया है, आलमंड का भी पाउडर बना लिया है। यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट तो है ही है। तो अब चलते हैं दूध की तरफ। दूध हमारी यहाँ पे गाढ़ी हो रही है तो अब मैं इसमें डालूंगी एक इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू लिया है जिसका मैंने दूध के साथ में पेस्ट बना लिया है और उसमें डाला है 1/2 teaspoon कॉर्नफ्लावर। तो ये इस तरह की पतली सी पेस्ट बना ली है मैंने और अब इस गाढ़े दूध में मैं इसको डाल दूंगी। डालने के तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद में ये इस तरह की गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हमें इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे साइड पर रख देना है। अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पैन जिसमें मैं घी डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल दूंगी ये सेवइयों का चूरा। और इसे डालकर हमें इसको गोल्डन सा कलर आने तक इसको भून लेना है। अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी जब ये भून जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूँ। तो सेवइयाँ हमारी अब भून चुकी हैं, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है इनमें। तो अब मैं इसमें डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट, ये पिस्ते का पाउडर डालूंगी, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं हमें। तो काजू और बादाम का भी पाउडर डाल दे रही हूँ मैं इसमें और डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालकर हमें सेवइयों को बहुत अच्छे से भून लेना है। उसके बाद में डालना है वो जो मैंने दूध प्रिपेयर करके रखा है वो। तो 6 से 8 tablespoons जाएगा इसमें ये। तो एक साथ ना डालें, एक बार फैला फैला कर डालें इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ वीडियो में, और इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये इस तरह की हो जाएगी और जब ये भून जाएगी तो बहुत अच्छे से ये पैन छोड़ देगी। तो इसने पैन छोड़ दिया है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो एक डिश में मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसे अभी हमें फ्लैटन कर देना है। तो इस तरह से मैं इसे सेट कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसके बर्फ़ी काटनी है। तो ये बिल्कुल इवन सा कर लिया है मैंने। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये सारे ड्राई फ्रूट्स। तो डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, काजू बादाम और पिस्ते का पाउडर भी इस तरह से फैला दे रही हूँ मैं। इस पैटुला से थोड़ा सा दबा दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं इस पर लगा रही हूँ चांदी का वर्क, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे लगाएं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसे पीसेस में कट कर लूँगी। तो अब मैं इसे इस तरह से निकाल रही हूँ। तो ये देखिए कितनी ईजिली कितने अच्छे से ये सेट हो चुकी है और ये बिल्कुल मिठाई जैसी रेडी हो गई है। तो ये सेवइयों की यूनिक सी मिठाई आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस इंस्टेंट क्विक और इजी सी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को ट्राई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी रेसिपी की वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर भी लेकिन मैं ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प रेसिपी के साथ में नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।